निर्भया गैंगरेप मामले में अब एक और नया मोड़ आ गया है। अब इस केस में फांसी की सजा पाए जाने वाले दोषी अक्षय ठाकुर की पत्नी पुनीता ने अब अपने पति को फांसी से बचाने के लिए कानूनी चाल चली है। पुनीता ने एक फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दी है। पुनीता ने अपनी अर्जी में कहा है कि वह अक्षय की विधवा बनकर नहीं रहना चाहती है। अक्षय की पत्नी ने एक परिवार न्यायालय में तलाक की अर्जी देते हुए कहा है कि वह अक्षय की विधवा नहीं बनकर रहना चाहती है। अक्षय की पत्नी ने औरंगाबाद परिवार न्यायालय के जज रामलाल शर्मा की कोर्ट में दाखिल अपनी अर्जी में कहा, उसके पति को रेप के मामले में दोषी ठहराया गया है और उसे फांसी दी जानी है, हालांकि वह निर्दोष है। ऐसे में वह उसकी विधवा बनकर नहीं रहना चाहती है। अक्षय की पत्नी के वकील मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि महिला को यह कानूनी अधिकार है कि वह हिंदू विवाह अधिनियम के तहत कुछ खास मामलों में तलाक का अधिकार है, इसमें रेप भी शामिल है। इन्होंने बताया कि अगर रेप के मामले में किसी महिला के पति को दोषी ठहराया जाता है तो वह तलाक के लिए अर्जी दाखिल कर सकती है। कानूनी जानकार इसे एक चाल की तरह देख रही है। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार इस पर कोर्ट अक्षय को नोटिस जारी कर सकता है और उसे उपस्थित रहने को भी कह सकता है। कुछ कानूनी जानकार इसे दूर की कोड़ी भी बता रहे हैं। आपको बता दें कि निर्भया के दोषियों को अभी भी कहीं ना कहीं यह लग रहा है कि वह बच जाएंगे, उनकी कोई ना कोई तिकड़म उन्हें जीवन दान दे देगी। इसके लिए अब दिन रात वह यही सोचते रहते हैं। बताया जाता है कि इनमें से दो कागजों पर कुछ ना कुछ लिखते भी रहते हैं। तिहाड़ की जेल नंबर 3 में बंद इन चारों की अभी इनके परिवार से मुलाकात करने की रूटीन मुलाकात नहीं रोकी गई है, लेकिन इनकी अंतिम मुलाकात अब 19 मार्च की दोपहर 12 बजे तक की हो सकती है। इसके बाद इन्हें किसी से नहीं मिलने दिया जाएगा। आपको बता दें कि निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले में चारों दोषियों में से 3 ने अपनी फांसी टालने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अदालत का दरवाजा खटखटाया है। बताया जा रहा है कि दोषी अक्षय, पवन और विनय ने अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में अर्जी लगाई है। तीनों दोषियों ने ICJ को पत्र लिखकर फांसी टालने की अपील की है। दोषियों के वकील एपी सिंह ने कहा कि फांसी की सजा के खिलाफ दुनिया भर के विभिन्न संगठनों ने ICJ का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले के चारों दोषियों को 20 मार्च को सुबह 5:30 बजे फांसी दी जानी है। अक्षय ने फांसी से बचने के लिए काफी तिकड़म भी भिड़ाया था, लेकिन निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उसके दाव फेल हो गए। राष्ट्रपति ने भी अक्षय की दया याचिका खारिज कर दी है। निर्भया के दोषी अक्षय, पवन, मुकेश और विनय ने सभी कानूनी रास्ते बंद हो चुके हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.